उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बिशप मंडल में 7 और 8 नवंबर को मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व। आपको बताते चलें निरंकारी ज्योत वाली दो जहां कलयुग के अवतार जगत पिता सर्वा कला संपूर्ण धन्य धन्य साहब श्री गुरु नानक देव जी के 553वें पवन पवित्र प्रकाश पर्व पर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गुरु नानक देव जी का जन्म राय बोय की तलवड़ी नानक साहेब पाकिस्तान में 1469 ईस्वी को हुआ था। गुरु नानक पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, माँ का नाम तृप्ता था। गुरु नानक देव ने समाज सुधार हेतु 4 प्रमुख यात्राएं भारत, श्रीलंका, मक्का, इराक, ईरान, अफगानिस्तान की है। अपने गृहस्थ आश्रम में रह के अपने कार्य व्यवहार को करो, कमाई जरूर करो, नाम जपो, उस परम पिता परमेश्वर की बंदगी करो, उसका नाम लो और वंड सको, बांट के खाओ। बांट के खाओ का सिद्धांत जो आप देखते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में बुलाई गई है, जो सेंट्रल गुरुकुल कमेटी और बरेली की साथ संगत द्वारा मिलकर इनको बड़े धूमधाम से गुरु महाराज जी का प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है 553वां। कल रात्रि शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा और परसों 8 को सुबह प्रातः 8 से लेकर शाम 4 बजे कीर्तन दरबार चलेगा, जिसमें पंथ प्रसिद्ध के जागी जत्थे भाई तेजेंद्र सिंह जी खन्ना वाले आ रहे हैं, भाई अवतार सिंह जी हजूर जागी जत्था दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जो कहते हैं वहाँ से आ रहे हैं, और ज्ञानी मनिंदर पाल सिंह जी रोपड़ पंजाब वाले कथावाचक आ रहे हैं। ये पंथ प्रसिद्ध कथावाचक कीर्तन जत्थे हैं जिनको महाराज के प्रकाशोत्सव में बुलाया गया है, सात संगत द्वारा इनको मंत्र किया गया है और ये कल दोपहर में सब रागी जत्थे कथावाचक बरेली पहुंच जाएंगे। इसमें बरेली की सात संगत और जत्थे माता भागवत ग्रुप अखंड कीर्ति जत्था सिख जेवर जत्था सिख मिशनरी कॉलेज गुरबाणी सेवक सोसाइटी खालसा पंथ सुखमणि सोसाइटी गुरु सेवक जत्था बरेली के समस्त गुरुद्वार प्रबंधक कमेटियों एवं स्थित सत्संग द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम कल 7 और 8 को मनाया जाएगा, 2 दिन चलेगा। ये पंडाल का कार्यक्रम 4 दिन चल रहा है। कल शाम को 6 बजे गुरु माँ जी की सवारी आएगी और 6:15 बजे पाठ आरंभ हो जाएगा और रात की 10:30-11 बजे तक चलेगा, जो परसों सुबह प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे चलेगा। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।